नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की। इसे समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसको गौसन ने बनाया है, इसलिए इसे गौसन का दूसरा नियम भी कहते हैं। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता तथा उसका कीमत अनुपात बराबर हो। इसका मतलब उपभोक्ता संतुलन तब होगा जब MUX अपॉन PX बराबर हो MUY अपॉन PY के। इसके लिए उपभोक्ता क्या करेगा कि उस वस्तु का अधिक उपभोग करेगा जिसकी सीमांत उपयोगिता अधिक हो, और उस वस्तु का कम उपभोग करेगा जिसकी सीमांत उपयोगिता कम हो। और ऐसा उपभोक्ता तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। इसका मतलब यह हुआ कि x वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब होगा जब MUX अपॉन PX बराबर MUY MUM होगा। इसी तरीके से y वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब होगा जब MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM होगा। इसका मतलब यह हुआ कि दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब होगा जब MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY बराबर MUM होगा। अगर हम ये मान लें कि MUM स्थिर है, तब उपभोक्ता संतुलन की शर्त होगी कि MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY। वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन या समसीमांत उपयोगिता नियम को हम एक तालिका की सहायता से भी समझ सकते हैं। इस तालिका में हमने ये माना है कि उपभोक्ता की आय 5 रुपए है तथा एक्स वस्तु और वाई वस्तु की जो कीमत है वो 1 रुपए है। यहां पर जैसे जैसे वस्तु की इकाइयां बढ़ रही हैं, एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घट रही है और वाई वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी घट रही है। अगर मान लीजिए उपभोक्ता के पास आय 5 रुपए है, तो उपभोक्ता पहला रुपया किस पे खर्च करना चाहेगा, क्वेश्चन ये है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, एक्स वस्तु की पहली इकाई एक्स की और पहली इकाई वाई का, दोनों की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का आपस में तुलना करेगा। जैसे कि यहां पर पहली इकाई से 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और यहां पर पहली इकाई से 16 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो वह इस इकाई का प्रयोग करना चाहेगा। इसका मतलब उपभोक्ता पहला रुपया इस इकाई पे खर्च करेगा। इसी प्रकार से अगर वह दूसरा रुपया खर्च करना चाहता है, तब वह फिर से देखेगा कि एक्स वस्तु की दूसरी इकाई से, क्योंकि पहली इकाई का तो वह ऑलरेडी उपभोग कर चुका है, जिससे कि सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, 14, और वाई वस्तु की पहली इकाई से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, 16। तो इस स्थिति में उपभोक्ता वाई वस्तु खरीदना चाहेगा। इसका मतलब पहला रुपया इस पे खर्च करेगा और दूसरा रुपया उपभोक्ता इस पे खर्च करना चाहेगा। इसी प्रकार से उपभोक्ता जब तीसरा रुपया खर्च करेगा, तो दूसरी इकाई एक्स की और दूसरी इकाई वाई का कंपेयर करेगा, जिससे कि पता चल रहा है कि उपभोक्ता इस वस्तु का उपभोग करेगा एक्स वस्तु का, क्योंकि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता 14 है और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता 12 है। इसी तरीके से अगर उपभोक्ता के पास अगले रुपए हैं, तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर है, तो वह किसी भी वस्तु को खरीद सकता है। यानी कि उपभोक्ता अपना 34 रुपया इस पर और 5वां रुपया इस पे खर्च करना चाहेगा। यानी कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की 3 इकाइयां और वाई वस्तु की 2 इकाइयां खरीदेगा। हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि यहां पर दिखाया हुआ है, उपभोक्ता की आय 6 रुपए है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमत दोनों की 1-1 रुपए है। अब उपभोक्ता के पास 6 रुपए हैं, तो उपभोक्ता एक्स वस्तु और वाई वस्तु किसी का भी कुछ भी संयोग खरीद सकता है। जैसे कि वो 4x और 2y खरीद सकता है, या 2y और 2x और 4y खरीद सकता है, या 3x और 3y खरीद सकता है। लेकिन उसे प्राप्त करना है अधिकतम संतुष्टि का स्तर। अधिकतम संतुष्टि का स्तर वो होगा जहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। जैसे मान लीजिए कि उपभोक्ता 3x और 3y का प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 30 है और यहां पर सीमांत उपयोगिता 60 है। अब उपभोक्ता अगर अपना 1 यूनिट x की कम कर देता है, 1 यूनिट x कम कर देता है, तो इसका मतलब उसको जो लॉस होगा वो 30 सीमांत उपयोगिता का होगा, 30 का लॉस होगा। लेकिन अगर वह 1 रुपए को वाई पे खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब 1 यूनिट y प्लस करने पर, वृद्धि करने पर, जो वाई को सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो 40 की मिल रही है। इसका मतलब नेट गेन 10 का हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह उपभोक्ता संतुलन की स्थिति नहीं है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, यहां से 1 इकाई कम करेगा और यहां पर 1 इकाई को वृद्धि करेगा। यानी कि उपभोक्ता इस स्थिति में आ जाएगा, ताकि वो 6 रुपए भी खर्च हो रहे हैं और उसकी दोनों वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी
बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर संतुलन की किसी स्थिति में mu x अपॉन पी एक्स जो है वो स्मॉल है mu y अपॉन पी वाई से, तो उपभोक्ता y वस्तु का अधिक उपभोग करेगा और x वस्तु का कम उपभोग करेगा, और ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि उपभोक्ता एक x का प्रयोग कर रहा है और पांच y का, तो पहली इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो 50 है और यहां पर पांचवी इकाई से सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है वो 20 है। अगर उपभोक्ता वाई वस्तु की एक इकाई का कमी करता है तो उसको जो लॉस होगा वो 20 यूनिट्स का होगा, 20 यूटिल्स का होगा, और वाई वस्तु का अगर वो उपभोग करता है तो जो प्राप्त होगा उस एक्स वस्तु का उपभोग करता है उसे प्राप्त होगा 40 यूटिल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उपभोक्ता अपने रुपए को वाई वस्तु से एक्स वस्तु पे खर्च कर दे तो उसे लॉस होगा 20 का और फायदा होगा 40 का। तो उपभोक्ता संतुलन बिंदु ये नहीं होगा जहां पर उपभोक्ता एक एक्स और पांच वाई का प्रयोग कर रहा है, बल्कि उपभोक्ता क्या करना चाहेगा, उस स्थिति में आना चाहेगा जहां पर एम यू एक्स और एम यू वाई दोनों बराबर हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर क्योंकि हमने कीमत को एक माना है इसलिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स भी वही होगा जो एम यू एक्स है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे हम एक और उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं, जैसे कि यहां दिखाया हुआ है कि एम यू एक्स 5 है और पी एक्स 4, इसी तरीके से एम यू वाई 4 है और पी वाई 4। तो क्वेश्चन यह है कि क्या ये उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, तो उपभोक्ता संतुलन कहां होगा, जहां पर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल होगा एम यू वाई अपॉन पी वाई के, यानी कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसका कीमत अनुपात बराबर होना चाहिए। पर इस स्थिति में 5 अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 5, तो यह स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त नहीं करती, बल्कि इस स्थिति में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स मोर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई है। इस स्थिति में उपभोक्ता x वस्तु का अधिक उपभोग करेगा क्योंकि x वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक है, और y वस्तु का कम उपभोग करेगा क्योंकि y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम है। ऐसा वह तब तक करेगा जब तक कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर नहीं हो जाता एम यू वाई अपॉन पी वाई के। इसी प्रकार इस टेबल में देखिए एम यू एक्स और एम यू वाई दोनों ही 4 है जबकि पी एक्स और पी वाई अलग अलग है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है, यहां एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल होगा एम यू वाई अपॉन पी वाई के, परंतु आप देख पा रहे हैं कि इस स्थिति में 4 अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 2। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स स्मॉलर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई के। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर उपभोक्ता एक्स से पैसा हटाकर रुपए हटाकर वाई में लगाता है तो उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, यानी कि वो एक्स की मात्रा को कम करेगा और वाई की मात्रा में वृद्धि करेगा, और ऐसी कमी तब तक जारी रखेगी जब तक कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई बराबर नहीं हो जाते। अगर हम बात करें डायग्राम की तो दोस्तों यहां पर एम यू एक्स अपॉन पी वाई एक्स एक्स वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है इस तरह से, और इधर एम यू वाई अपॉन पी वाई दिखाया हुआ है, नीचे एक्स एक्सिस पे एक्स वस्तु की मात्रा और वाई वस्तु की माई वाई मात्रा दोनों दिखाई हुई है। अगर हम इस टेबल का प्रयोग करें तो आप देख पाएंगे कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता 50 40 30 20 लगातार कट रही है, इसका मतलब एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता इस प्रकार से कम हो रही है, और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता भी 100 से शुरू होकर लगातार कम हो रही है, यानी कि वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता भी घट रही है। तो उपभोक्ता संतुलन कब होगा, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होगा एम यू वाई अपॉन पी वाई के। तो इस स्थिति में उपभोक्ता एक्स वस्तु की इतनी इकाइयां और बची हुई इकाइयां वाई वस्तु का उपभोग करेगा।